कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए दुपहिया वाहन पर व्यक्ति और चार पहिया वाहन में चालक सहित 3 लोगों को ही चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इन नियमों का उल्लंघन होने से ट्रैफिक विभाग ने वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। महापौर संदीप जोशी और मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे द्वारा 25 और 26 जुलाई को जनता कर्फ्यू लगाने की घोषणा करते ही शहर के बाजारों में अचानक भीड़ बढ़ने लगी। इस दौरान सुरक्षित दूरी को भी दरकिनार कर दिया। नेताओं की गोद में बैठकर कुख्यात साहिल सैयद ने ट्रांसफर, प्रमोशन या ठेके दिलाने के बदले में करोड़ों रुपए कमाए हैं। काम कराने का झांसा देकर वह अधिकारियों के साथ नियमित मुंबई मंत्रालय के चक्कर भी काटता था। इक्का दुक्का अधिकारियों के ही काम हुए, अधिकांश अधिकारी ठगी का शिकार हुए। बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने शुक्रवार को एलेक्सिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की रीट याचिका को मंजूर कर लिया, साथ ही अस्पताल पर की गई सभी कार्रवाई रद्द कर दी गई है। मनपा को आदेश दिया गया कि हॉस्पिटल के जेनेटिक क्लिनिक का पंजनीय बरकरार रखते हुए जब्त किए गए सभी चिकित्सा उपकरण तत्काल मुक्त करे। नाग पंचमी का पर्व आज शहर में मनाया जाएगा। घरों में ही श्रद्धालु नाग देवता की उपासना करेंगे। जनता कर्फ्यू की वजह से मंदिरों के पट भी बंद रखे जाएंगे। विभिन्न नागदेव मंदिर समितियों ने भक्तों से घर में ही पूजा अर्चना का आह्वान किया। शुक्रवार को शहर आंदोलन के बदले में आंदोलन की राजनीति का साक्षी बना भाजपा की युवा इकाई भाजपा युवा मोर्चा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार को जय श्री राम लिखे पोस्टकार्ड भेजे। सफाई कर्मियों के हाजिरी शेड में शुक्रवार की सुबह अचानक मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे पहुंचे। ड्यूटी से नदारद व व्यवस्थित काम नहीं करने वाले कुछ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। नागपुर जिले में पहली बार एक ही दिन में सर्वाधिक 222 नमूने पॉजिटिव आए हैं, वहीं 5 मरीजों की मौत भी हो गई है। जनता कर्फ्यू की घोषणा के बाद तक लॉकडाउन का संकट शहरवासियों पर मंडरा रहा है। महापौर संदीप जोशी की तरफ से बुलाई गई बैठक में जनप्रतिनिधियों ने लॉकडाउन का विरोध किया, पर साथ ही यह भी तय हुआ है कि जनता कर्फ्यू के बाद 31 जुलाई को फिर से बैठक बुलाई जाए। गोरेवाड़ा वन्य प्राणी बचाव केंद्र का शुक्रवार की शाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अचानक निरीक्षण किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने केंद्र पहुंच कर बाघ, तेंदुए और अन्य प्राणियों की देखरेख और उनके उपचार से संबंधित जानकारी ली। इसके साथ ही बाघ व अन्य प्राणियों के एनक्लोजर का निरीक्षण किया गया। साथ ही आगामी दिनों में गोरेवाड़ा में प्रस्तावित इंडियन सफारी व अन्य प्रोजेक्ट पर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।